हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, घूम कर आने वाले कैच बहुत सारे प्लेयर से छूटते हैं, स्पेशली जब आप नॉर्मल कैच प्रैक्टिस करते हो ना। अगर ऐसे कोई आपको कैच देगा या हाथ से आपको कैच देगा तो ये घूम के नहीं आता, बॉल सीधा सीधा आता है। लेकिन जब एक्चुअल मैच होता है, कभी भी बल्लेबाज मारता है ज़ोर से, तो बहुत तेज़ी से बॉल जो है ना, इतना तेज़ घूम के आता है, आपसे कैच छूट जाता है। तो उसका सटीक तरीका बताऊँगा प्रैक्टिस करने का, कि प्रैक्टिस कैसे करना है। गाइज देखो, जो आपको कैच कराने वाला है ना, उसका ज़्यादा रोल है इसमें। क्योंकि देखो, आप तीन चार दिन खड़े हैं यहाँ पे, बॉल को कभी भी रोल करके देना है। देखो, ये जैसे स्पिन करना है, यहाँ पे ऐसे स्लाइड करना है। स्लाइड करने से क्या होगा कि बॉल ऐसे घूमेगा, हवा में घूमेगा, और तब जाके आप कैच प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि नॉर्मली करेंगे, नॉर्मल सीधा सीधा आता बॉल, हल्का सा घूमेगा तो, और कैच बार बार शॉट मार के कैच देने से इतना प्रैक्टिस हो नहीं पाता। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ, ये देखिए, ये ऐसे घूमेगा। आप जब करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा घूम के जाता है। जब घूमती हुई बॉल में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली इस तरह की प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा जो दूसरी बात है, स्पेशली जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तो उनके हाथों में लगती है चोट। हाथों में चोट लगती है तो उसका क्या उपाय है, कैसे हाथों को धीरे धीरे मजबूत बनाना है, बोल दे। देखो, उसके लिए दूसरा तरीका है कि जब नॉर्मली आप बॉल पकड़े हो हल्का हल्का, ये देखो, ऐसे ऐसे डेली लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार ऐसे करके, तो हल्की हल्की चोट लगेगी हाथों में, तो धीरे धीरे आपके हाथ सेट होंगे। ऐसे ऐसे डेली करते रहोगे ना, इस हाथ से यहाँ, इस हाथ से यहाँ, ऐसे ऐसे फेंकते। बाकी दूसरा रोल होता है, ज़्यादा जब चोट लगने का कारण ये होता है कि आप जब बॉल आती, बॉल को साथ में पीछे नहीं खींचते, बॉल आती वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करते हो, उससे चोट लगती है। वो धीरे धीरे स्टार्ट में आपने हल्का सा अंडर आर्म देके हल्का सा पीछे खींचने का प्रैक्टिस करना है। यानी जब आपने बॉल पोजीशन बना लिया, पोजीशन बनाने के बाद हल्का सा बॉल जब आपके पास आ, पीछे आते आते ही आपको दबाना है, वहीं पे दबाओगे नहीं होगा। या आप ऐसे भी पकड़ते हैं, ऐसे भी पकड़ते समय इस तरह से हाथ रहता है इस तरह से, तो पकड़ते पकड़ते ही पीछे लाना है। तो पीछे लाने का प्रैक्टिस कभी भी फास्ट में नहीं करना, पहले स्लो स्लो करना। जब स्लो स्लो आपसे कलेक्ट होने लग जाएगा, कैच होने लग जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ऐसे करना है। अक्सर लोग बहुत तेज़ी से स्टार्टिंग में देना स्टार्ट कर देते, वो एक आध बार चोट लग गया तो बच्चा डर भी जाता है, उसके बाद उससे होता नहीं। तो दो तरीके हैं जिससे आप आसानी से घूमता हुआ कैच पकड़ सकते हैं, और जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया कि चोट लगती है हाथों में, चोट लगने के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेट करना होता है। 50 बार 100 बार करें, धीरे धीरे आपके हाथ सेट होते रहेंगे, फिर चोट लगना बंद हो जाएगा। देखो, अब मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे प्रैक्टिस कराने का, बॉल घुमाते हुए। आप देख लीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। और अभी तो मेरे हाथ में मैं सिंगल हूँ। अगर कोई बंदा एक और मिलता है आपको, तो वो साइड से बॉल फेंक के तब आप फिर भी रोल करा सकते हैं प्रैक्टिस में, जब ज़्यादा दूर फेंकना हो। ये तो नज़दीक का है, पहले स्टार्टिंग में ऐसे नज़दीक करना है, फिर उसके बाद दूर, फील्डर को दूर करना है, किसी को बॉल फेंकवाना है, उसके बाद बॉल फेंक के फिर आप यहाँ से स्लाइड करके मारेंगे। जैसे ऐसे मारो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लगेगा ये नहीं हो रहा करके। स्टार्टिंग में ऐसे ही रहता है। गाइस, ऐसे टिप्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।